राजकुमार जी ये बताइए मूर्ति कहाँ की है और आप ये प्रतिमा कितने सालों से बैठा रहे हैं? मूर्ति ये सुमेर सागर रोड की है जी। हम प्रतिमा 2007 से बैठा रहे हैं। 2007 से बैठा रहे हैं जी। जैसे हमारे छोटे भाई थे सब छोटा छोटा बनाकर बैठाते थे जी, तो हम लोग सोचा कि मतलब जैसे वो खेलते थे हम लोग सोचा जाए कि पूजा करके बैठाया जाए। फिर उसके बाद छोटा करते करते बड़ा हो गया, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक प्रतिमा बैठाने लगे हैं जी। फिर कोरोना के बाद से इलेक्ट्रिक प्रतिमा बंद हो गया। हाँ, फिर उसके बाद साधारण मूर्ति अपने हिसाब से जैसा सोचते हैं उस तरह बैठाते हैं। तो आज ये प्रतिमा का स्थापना होगा वहाँ पे जाके जहाँ पे आप जगह आपका है जी। तो उसके बाद पूरा जो विसर्जन से लेके कार्यक्रम क्या क्या रहेगा आपका? अब देखिए आज मूर्ति प्रतिमा स्थापित होगी, फिर उसके बाद सप्तमी को क्या नाम है पट खुलेगा जी। फिर उसके बाद भंडारा होता है हम लोग के यहाँ, फिर उसके बाद विसर्जन हो जाता है दसवें दिन, हवन होता है नौवें दिन, दसवें दिन विसर्जन होता है। तो अगर आप विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि विशाल भंडारा कहाँ पे होगा, ताकि जो दूर दूर से हमारे देखेंगे आपको वो लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण। ये हमारा प्रतिमा ये सुमेर सागर पे ये राधे राधे मोबाइल के आगे जी दो गाड़ियाँ धुलाई सेंटर है उसी जस्ट बगल में गली में। हाँ, गली के अंदर जो धर्मेंद्र करके। हाँ, धर्मेंद्र वो धर्मेंद्र जो बाल काटते हैं उसी ठीक सामने वाली गली, देवा यादव सामने वाली गली। चलिए ठीक है, आप ऐसे ही हर साल प्रतिमा बैठाते रहिए। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है कि आप भंडारे का विशाल भंडारे का भी आयोजन एक नहीं हर दिन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये माता रानी कृपा है। एक बार जयकारा सब बोला दुर्गा माता।